दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 21 जनवरी है। 21 जनवरी की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। लोगों को धूप और बरसात में खड़ा होकर गाड़ी का इंतजार करना पड़ता था और पड़ाव नहीं रहने के कारण यत्र तत्र बसें या टेम्पो लगती थी, लेकिन अब पड़ाव बनेगी जिसकी लंबाई 10 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा होगा। 1,90,000 रुपया के लागत से बस पड़ाव बनाए जाएंगे और 20 व्यक्ति, कम से कम 20 व्यक्ति बैठने की व्यवस्था होगी और 50 व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं। और यह बस पड़ाव बिहार के सभी 8,000 पंचायतों में बनाए जाएंगे, जिसमें 500 पंचायत में बनना प्रारंभ हो चुका है पड़ाव। 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पहले चरण में 500 पंचायतों में बस स्टॉप के निर्माण की योजना की मंजूरी दी गई है। इसमें से 418 पर काम अंतिम चरण पर है, बाकी 182 को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार सरकार चरणबद्ध तरीके से बस स्टैंड बनाकर ग्रामीण लोगों को राहत देने का मन बनाया है। 500 बस पड़ाव का काम जारी है और 2 साल में यह लक्ष्य पूरा करने की बात कही गई है। उधर मानसी से पूर्णिया तक अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें दौड़ेगी। समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने बुधवार को कोसी के प्रमुख शहरों का दौरा किया। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल समेत अन्य छोटे बड़े स्टेशन के दौरे के क्रम में उन्होंने मधेपुरा पूर्णिया कोट रेलखंड के बीच विद्युतकरण कार्य का शुभारंभ किया। 78 किलोमीटर में इस खंड के विद्युतकरण का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा, यह कहा जा रहा है। मैं बताऊं आपको कि अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। दुर्घटना में घायलों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार निःशुल्क इलाज करेगी। इसके लिए राज्य सरकार जैसे बिहार सरकार को केंद्र ने निर्देश दिया है कि रोड सेफ्टी फंड बनाई जाए। दिल्ली में बुधवार को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उधर कोरोना काल की बात अगर की जाए तो बिहार में 0.1% की रह गई है अब कोरोना की मार। अब ठंड की बात की जाए, थोड़ी तो ठंड से निजात अब लोगों को 23 जनवरी के बाद ही मिलने की संभावना है। बड़ी बात निकल कर आई है कि अब आप एक क्लिक करेंगे और जमीन के 100 साल पुराने रिकॉर्ड को आप देख सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करी गई है कि रिकॉर्ड एक क्लिक में आप नेट के माध्यम से देख सकते हैं। फर्जी कागजात बनाकर निजी या सरकारी जमीन पर कब्जा अब संभव नहीं है। जमाबंदी पंजी का पुराना रिकॉर्ड गायब होने का बहाना भी नहीं किया जा सकता। बस एक क्लिक कीजिए और दिख जाएगा किसी भी जमीन के 100 साल पुराने रिकॉर्ड। तो यह व्यवस्था हो गई है। फर्जी कागजात बनाकर सरकारी और निजी जमीन कब्जा करना अब कठिन हो गया है। जो जमीन के दलाल और जो जमीन के दलाल जिस तरीके से जमीन को हड़पने और बेचने का काम करते थे, अब इस पर सरकार ने रोक लगाने के लिए अब यह व्यवस्था कर दिया है ताकि जमीन खरीद बिक्री में दलाली और गलत कार्य पूरा न हो। उधर बारसोई, कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड चांदपाड़ा पंचायत के धाचना गांव के निकट रेलवे ट्रैक के किनारे एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर लाश को बदमाशों ने फेंक दिया। बुधवार की सुबह मृतक की पहचान बारसोई थाना क्षेत्र के डॉक्टर टोला निवासी मोहम्मद शमीम के पुत्र मोहम्मद अजमत के रूप में की गई। कहा जाता है कि यह
बॉम्बे में काम करते थे और बॉम्बे से लौटकर वह अपने घर आए थे दो दिन पहले, और उनकी मौत की खबर मिलते ही लोगों ने शक जाहिर किया कि उसकी हत्या कर दी गई है। यह कहा जा रहा है कि उसकी हत्या किसी साजिश के तहत की गई है। उधर पश्चिम बंगाल से अररिया की ओर आ रही एक इंडिका कार को उत्पाद विभाग के टीम ने धर दबोचा, जिसमें 132 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। टीम ने कार चालक और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की पूछताछ में यह बात सामने आई कि कार चालक और तस्कर इस शराब को पहुंचाने के लिए आए थे, अररिया में डिलीवर करना था। उधर एसपी लिपि सिंह ने सहरसा में हो रहे लूटपाट और छिनतई और इस प्रकार की घटना को रोक लगाने के लिए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जो 6 बदमाश बताए जा रहे हैं कि कोढ़ा के कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के रहने वाले हैं। जिन 6ों को गिरफ्तार किया उससे कई बात भी सामने आई है। उधर ट्रक गैस लदे ट्रक ने भागलपुर दुमका स्टेट हाईवे 19 पर बौसी के समीप बुधवार दोपहर गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने एक भाई बहन और मां को रौंद दिया जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिसमें भाई बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और मां घायल है। उधर जमुई की बात करी जाए तो सबल बीघा मुसहरी के समीप बुधवार की शाम 5 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक सीएसपी संचालक से 4,76,000 रुपया लूट कर फरार होने में सफल हो गया। सीएसपी संचालक तरुण कुमार अपने मित्र रजपुरा गांव निवासी सौरभ कुमार के साथ सिकंदरा स्टेट बैंक से 4,76,000 रुपये निकासी कर भुल्लो के रास्ते सबलडीहा बीघा लौट रहे थे। इसी दौरान यह छिनतई हुई है। उधर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार ट्रक का हड़ताल जारी है और ट्रक के हड़ताल होने के कारण ट्रक हड़ताल के वजह से और चक्का जाम होने की वजह से भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में जबरदस्त उछाल आई है। ट्रक हड़ताल होने के कारण बालू 100 CFT की कीमत करीबन 1,000 रुपया बढ़ गई है। उधर सीमेंट के स्टॉक खाली हो रहा है, गिट्टी का स्टॉक खाली हो रहा है, जिससे गिट्टी और सीमेंट की भी कीमतें बढ़ चुकी है। पूर्णिया के दुकानदार कहते हैं कि तेल और रिफाइन भी महंगा होने लगा है। छड़ जो 5,000 रुपया क्विंटल बिकता था अब वो 7,000 रुपया क्विंटल बिकने लगा। इस प्रकार महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी है, साथ ही साथ सब्जी की कीमतें बढ़ी, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि ट्रक के हड़ताल के कारण काफी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका मार आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। यह हड़ताल कब समाप्त होगा यह कहना मुश्किल बताया जा रहा है। उधर कीमतों की वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई हो रही है, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ गई। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि भवन निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ गई, लोहे की कीमत, स्टील की कीमत, सीमेंट, बालू, गिट्टी की कीमत बढ़ जाने से लोग काफी सख्ते में आ गए हैं। सरकार को अविलंब इस पर निगाह देनी चाहिए, ऐसा दुकानदार और व्यापारी मांग कर रहे हैं। मेरे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।